हाय फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो मेरे हाथ में कॉम है जिसमें एक भी हेयर नहीं दिख रहा होगा आपको। अभी आप आगे वीडियो में देख लेना लाइव रिजल्ट। तो मैंने हेयर वॉश कर लिया है, मैंने हेयर वॉश अपना भी ड्राई भी कर लिया है टॉवल से, और मैं अभी जो टेंगल है मेरे हेयर्स में वो मैं रिमूव करूँगी आपके सामने ही, और आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊँगी कि मेरा एक भी बाल नहीं निकलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने हेयर्स को ओपन कर लिया है, जिसमें मैंने आपको जो अपने हेयर्स जो है दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अभी मैं इनको अपनी फिंगर्स की हेल्प से जो टेंगल्स हैं उनको रिमूव कर रही हूँ हल्के हाथों से, क्योंकि हल्के हाथों से ही करना है, क्योंकि अगर हम जल्दी करेंगे तो वो हमारी जो रूट्स हैं वो कमज़ोर रहती हैं जब गीली रहती हैं, तो इसलिए। तो अभी आपको लेना है कॉम जो मोटी दांतों वाला होगा, कॉम कंघी लेनी है एक मोटी दांतों वाली, ऐसे लेंथ छोटा सा पार्ट लेकर हेयर का, और उसको नीचे से लेके लेंथ से फिर मिडल से करना है, देन उसके बाद ऊपर से लेके जाना है। आपको इसी तरीके से अपने कॉम करना है जिससे कि आपका एक भी हेयर नहीं निकलेगा, मैं 100% गारंटी दे रही हूँ। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना। आपको छोटे छोटे पार्ट्स में ही करना है, आप किसी भी तरह आपने हेयर वॉश किया हो तब भी आप कर सकते हो। गीले बाल जो होते हैं वो ज़्यादा झड़ते हैं, अगर तो आप इसी वे से करते हो तो आपका एक बाल भी नहीं निकलेगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना इसको, पर हल्के हल्के हाथों से करना है। तो मैं आपको जैसे बता रही हूँ, आपको सबसे पहले लेना है ये लेंथ जो हमारी नीचे की सॉफ्ट होती है वहाँ से लेना है, देन उसके बाद हमें मीडियम से लेना है, फिर उसके फिर ऊपर चले जाना है आप। फिर आपको ऐसे ही अपने आधे आधे हेयर्स को कॉम कर लेना है अच्छे से, ठीक है। फिर आपको अपना कॉम अच्छे से करके और अपनी हेयर्स को अच्छे से रखना है। आपको इसमें कोई भी हीट प्रोटेक्शन नहीं देनी है, क्योंकि हमारे हेयर्स जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की होते हैं, आपको भी बता, अगर हम इसमें हीट प्रोटेक्शन देते हैं तो ये ज़्यादा ही जो वो बेकार हो जाते हैं। तो अभी मैंने सेकेंड पार्ट लिया है अपना, मैंने फर्स्ट पार्ट मेरा हो गया है और आपने रिजल्ट देख ही लिया होगा। मैं अभी आपको सेकेंड वाले में भी दिखाती हूँ। तो मैं भी जैसे ये कर रही हूँ छोटे छोटे से पार्ट लेकर, ऐसे ही करना है आपको भी, और इससे आपका एक बाल भी नहीं निकलेगा। आप ज़रूर ट्राई करना इस मेथड को और मुझे ज़रूर शेयर करना। तो आपका एक भी हेयर नहीं निकलेगा, और आप अपने हेयर की प्लीज़ केयर कीजिएगा, क्योंकि अगर हम हेयर केयर नहीं करते हैं तो ऐसे तो नहीं है कि हम चाहते हैं हमारे अच्छे से हेयर हो, लॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे तो नहीं होता। अगर हम उनकी केयर ही नहीं करेंगे तो ऐसे कैसे होगा? आपको भी बताया, जब हम खाना नहीं खाएंगे तो हम अच्छे हेल्दी कैसे रहेंगे? वीक ही होगा ना, वीक ही रहेंगे ना हम भी। तो अभी मैंने आपको भी अपने हेयर की केयर करनी चाहिए। आपको टोनर वगैरह भी होते हैं बहुत सारे, जो मैं अभी लेकर आती रहूँगी आपके लिए अच्छे अच्छे इन्ग्रीडियंट्स आपके हेयर्स के लिए, तो आप उनको एक बार ज़रूर अप्लाई करते रहना। और अभी मैंने हेयर्स अभी निकाल लिए हैं अपने, आप देख सकते हो। तो मैंने अभी अपने हेयर जो है वो पीछे की साइड कर लिए हैं और वो अच्छे से मेरे निकल चुके हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कॉम, और जिससे कि आपको मतलब एक बाल भी नहीं निकलेगा, मेरा एक निकलेगा तो एक तो निकलता ही है, कोई नहीं। एक तो बहुत ही मामूली सी चीज़ है मेरे लिए ये जो एक बाल निकला है, क्योंकि मोस्टली बहुत ज़्यादा जो निकलते हैं वो गलत रहता है। देखिए अभी एक ही निकलेगा, देखो निकला है नहीं कि तो एक ही निकला है। हाँ, फिर इसको ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। तो अभी मेरे हेयर्स कॉम हो गए हैं और मेरे जो टेंगल थे वो भी रिमूव कर लिया, और मैंने आपको लाइव रिजल्ट भी दिखा दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।